आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 और 11 पीसी में टाइम सिंक्रोनाइजेशन फेल्ड, टाइम नॉट सिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज की प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टैप करना है टास्क शेड्यूलर, यहाँ पे देखिए उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है, विंडोज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे देखिए टाइम सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे अगर स्टेटस में डिसेबल रहा तो आपको राइट क्लिक करके अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद क्लोज कर देना है, सर्विसेज में जाना है, उसके बाद आपको सर्च करना है विंडोज टाइम, यहाँ पे देखिए विंडोज टाइम, उसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे डिसेबल रहा तो आप उसको ऑटोमेटिक कर देना है, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस वीडियो को क्लोज करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, डेट एंड टाइम में जाना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेट टाइम, उसके बाद आपको चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करना है एंड एनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्वर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये सारे मेथड करने के बाद आपको अपना पीसी और लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक्सिलाज चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।